अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मैर बाजवा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में स्टीरॉयड इंजेक्शंस के बारे में। ये वो इंजेक्शंस होते हैं जो अमूमन प्रेगनेंसी में खवातीन को लगाए जाते हैं ताकि इनसे बेबी के लंग्स मैच्योर हों। आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताऊंगी कि वो स्टीरॉयड इंजेक्शंस प्रेगनेंसी में कब लगवाने चाहिए और कितने वीक्स में उनको लगवाया जाता है, उनकी डोज क्या होती है, कैसे उनको लगवाया जाता है, उनको लगाने के क्या फायदे होते हैं, और आपको मैं ये भी बताऊंगी लेटेस्ट गाइडलाइन के मुताबिक कि कब वो इंजेक्शंस अब नहीं लगवाने चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली उसकी जो गाइडेंस है उसके अंदर थोड़ा चेंज आया है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी में स्टीरॉयड के इंजेक्शन सालों से मरीजों को दिए जाते हैं। उनका बेसिक पर्पज ये होता है कि प्रेगनेंसी में जो बेबी है उसके लंग्स मैच्योर हों ताकि पैदाइश के बाद बच्चे को सांस का मसला ना हो और बच्चे को नर्सरी में एडमिट कराने की जरूरत या तो ना पड़े या कम से कम पड़े। अमूमन वो खवातीन जिनको टाइम से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, या वो खवातीन जिनकी बेबी का वाटर बैग टाइम से पहले लीक हो जाए, या वो खवातीन जिनमें किसी खास वजह से टाइम से पहले डिलीवरी करानी पड़े, यानी कि अनकंट्रोल्ड शुगर, ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का होना या किसी भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का होना जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टाइम से पहले टर्मिनेट करनी पड़े, ख़त्म करनी पड़े, और हम ये एंटिसिपेट कर रहे हों कि प्रेगनेंसी टाइम से पहले ख़त्म हो जाएगी और बेबी जल्दी डिलीवर हो जाएगा, उन खवातीन में हम ये स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाते हैं। स्टीरॉयड का जो इंजेक्शन देते हैं उसका नाम होता है डेक्सामेथासोन और उसकी डोज होती है 12 मिलीग्राम। 12 घंटे के वक्फे से 12 मिलीग्राम की दो डोजेस लगाई जाती हैं और इससे कहते हैं कि बच्चे के लंग्स मैच्योर होते हैं। इन इंजेक्शन का मैक्सिमम फ़ायदा तकरीबन दूसरे इंजेक्शन के 24 से 48 घंटे तक होता है, यानी कि अगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि डिलीवरी जल्दी होगी तो ये इंजेक्शन डिलीवरी के 24 से 48 यानी कि एक या दो दिन पहले लगवाएंगे तो उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इन इंजेक्शन का क्या फ़ायदा होता है? इन इंजेक्शन के जरिए बच्चा जब पैदाइश के बाद पैदा होता है तो उसके लंग्स मैच्योर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन इंजेक्शन का बेसिक काम ये होता है कि ये बच्चे के लंग्स में सर्फेक्टेंट एक लिक्विड होता है, केमिकल जिसका नाम होता है सर्फेक्टेंट, वो रिलीज करवाते हैं जिसकी वजह से जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के अंदर सांस का मसला नहीं होता या बहुत कम होता है और बच्चे को नर्सरी में रखने की जरूरत भी कम से कम पेश आती है। जो लेटेस्ट गाइडलाइन जो रिसेंटली रिवाइज हुई है उसके हिसाब से वो खवातीन जिनकी प्रेगनेंसी कम से कम 24 या ज़्यादा से ज़्यादा 35 हफ्ते तक है और आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि खातून की डिलीवरी 35 हफ्ते तक हो जाएगी, तो इन खवातीन को ये स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। लेकिन वो खवातीन जिनकी डिलीवरी हम एंटिसिपेट करते हैं कि इसके बाद होगी, यानी कि वो खवातीन जिनकी डिलीवरी 37, 38 या 39 हफ्ते तक होगी, यानी कि 37, 38 या 39 वीक्स, इन खवातीन को लेटेस्ट रिकमेंडेशन के मुताबिक अब स्टीरॉयड के इंजेक्शंस नहीं लगवाने चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि इस टाइम के ऊपर इंजेक्शंस लगवाने का फ़ायदे के बजाय इसका नुकसान होता है और इसमें बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होते हैं। ये मैंने आपको लेटेस्ट गाइडलाइन बताई है जो रिसेंटली अभी रिवाइज हुई है और इसमें जो हम बहुत सालों से काम कर रहे थे कि हम 37, 38, 39 हफ्ते तक भी पेशेंट्स को स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन लगा रहे थे, अब वो बात चेंज कर दी गई है, तो अब वो आजकल हम करंट प्रैक्टिस में वो चीज़ नहीं रही, पिछले एक साल से उसके बाद से अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो के बारे में कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।